व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू केशव हाइड्रोजन। तो आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं 360 किक, बहुत इजी और सिंपल टेक्निक। जैसा हर वीडियो में बताता हूँ आपको, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो रहेगी, शुरू से एंड तक देखना और एकदम समझ में आ जाएगा आपको 360 किक कैसे करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप्स आपको क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, इजिली हम जैसे खड़े होते हैं लेफ्ट लेग को आगे रखना है, राइट को पीछे रखना है। तो इसमें हमें सिंपली राउंड लेना होता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ राउंड कैसे लेते हैं। सेम हम खड़े हैं यहाँ से 1, 2 एंड 3, इतना राउंड लेना होता है हमें, तब हमें अपनी राउंडर्स किक को हिट करना होता है। तो देखते हैं कैसे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ राउंडर्स किक कैसे हिट करते हैं, कुछ इस तरह से। तो इतनी किक आपको सीख लेनी है, एक बार इधर से देख लेते हैं। नॉर्मल खड़े होना है किक, तो ये किक आपको आनी चाहिए। तो ये तो बेसिक किक है, आप एक बार में देख करके सीख जाओगे। तो इतना आपने कर लिया, अब हम बढ़ते हैं राउंड की तरफ। जो भी मैंने पहले बताया था आपको राउंड लेना है, तो देखते हैं कैसे राउंड लेना है। सेम 1 एंड यहाँ राउंड लेने के बाद आपकी जो किक पीछे रहेगी यानी कि राइट किक, उसको हमें हिट करना है कुछ इस तरह से। एक बार इधर से देख लेते हैं, सेम थिंग राउंड 1, 2 एंड किक। तो ये इजी राउंड है और ये इजी किक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, आपने फर्स्ट स्टेप इजीली सीख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप सेकंड की तरफ। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेम हमने जो राउंड किया था इसी में थोड़ा सा जंप लेने की कोशिश करना है, देखते हैं कैसे। सेम 1, राइट लेग को आगे रखना है और देन इसको उठाना है एंड जंप लेते हुए राउंड लेना है, लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकेंड राउंड में इस टाइप से राउंड लेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेम थिंग 1 एंड 2, कुछ इस तरह से। एक बार इधर से देख लेते हैं ताकि सभी एंगल से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके मैं कैसे चला रहा हूँ। सेम अप्लाई करना है लाइक 1, और इस किक को प्रेस करते हुए इस किक को उठाना है एंड राउंड लेने की कोशिश करना है कुछ इस तरह से। एक बार सामने से देख लेते हैं कैसे राउंड लेना है। सेम थिंग 1, इसे प्रेस लेना है राइट लेग से एंड लेफ्ट को उठाते हुए रोटेशन करना है कुछ इस तरह से। तो ये था हमारा स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप भी बहुत ईजी है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। और चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। जैसी मेरी रेड जैकेट है सेम वैसे ही रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाओ, वाइट कर दो उसको, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड में आपको क्या करना है, अभी हमने सिर्फ राउंड लेके जंप लिया था, अब इसमें राउंडर्स किक ऐड करनी है सेम पहले की तरह। एक बार इधर से दिखाता हूँ कैसे करना है। सेम जो हमने राउंड लिया है 1, 2 एंड ये जो किक नीचे है उसी को हमें हिट करने की कोशिश करना है कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे भी आपकी बॉडी आ रही है आपको करने की कोशिश करना है, परफेक्शन स्टार्टिंग में नहीं आता, स्टार्टिंग में किक आपकी टेढ़ी मेढ़ी आएगी। तो देखते हैं फिर से कैसे। सेम थिंग 1 एंड लाइक दिस। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, एक बार इधर से देख लेते हैं थर्ड स्टेप को। सेम अप्लाई करना है राउंड कुछ इस तरह से। तो अभी स्टार्टिंग में आपको किक हाई लेवल पे किक मारने की कोशिश नहीं करनी है, कोशिश करना है सिर्फ किक सामने तक पहुंच जाए, काफ़ी है। तो आपने थर्ड स्टेप कर लिया तो उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपके माइंड और मसल्स मेमोरी में एक बार में आ जाए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इतना आपने प्रैक्टिस आई थिंक कर ली होगी। तो बढ़ते हैं स्टेप फोर्थ की तरफ। अब फोर्थ स्टेप आपको करना है, देखते हैं क्या करना है। सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है, इसमें भी सेम रोटेशन, इस बार हाथों को पूरा खोलने की कोशिश करना है और हाथों से पूरी पावर लेना है लाइक कुछ इस तरह से एंड देन बॉडी को रोटेशन देते हुए इस किक को पूरा उठाना है लाइक कुछ इस तरह से। इस किक को जितना ऊपर उठाओगे आप किक उतनी बेटर चलेगी। देखते हैं इधर से, सेम थिंग अप्लाई कुछ इस तरह से। यानी कि अभी मैंने कोशिश की है लेफ्ट किक को उठाने की, राइट को बाद में उठाएंगे, पहले लेफ्ट को कोशिश करेंगे। तो फिर से देखते हैं, सेम थिंग कुछ इस तरह से। तो आपने अगर इतनी ट्रेनिंग कर ली है तो अब हमें इसमें लेफ्ट किक को उठाए रहते, अब कोशिश करेंगे राइट किक को भी उठाने की। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, सेम थिंग कुछ इस तरह से। एक बार इधर से देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, सेम कुछ इस तरह से हमारी आएगी 360 किक, जिसको हम टोर्नाडो और वाइट किक भी बोलते हैं। तो अभी एक बार और सामने से दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आती है ये। तो किक जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है, आप स्ट्रीट फाइट में यूज़ कर सकते हैं,
या MMA फाइट में यूज़ कर सकते हैं, अनदर किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव और कूल लगती है एकदम देखने में। तो आई होप जो मैंने वीडियो आपको बताई ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑस।